subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. सीए के विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से तुर्बे से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक प्रदर्शन रैली निकालकर हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस संदर्भ में बीजेपी पे निशाना साधते हुए समाज सेवक अलम बाबा व निजाम अली शेख ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका मानना है सरकार सीए एनआरसी को लाकर तोड़ने मुरड़ने का काम कर रही है। ये ईवीएम की चुनी हुई सरकार जनता को किया है बेकार। तो जब ईवीएम से ये चुनी गई ये सरकार, आम लोगों का, गौर गरीब का कोई इसको कुछ फिक्र नहीं है। बेकारी बढ़ी, रोजगार गया, सारी चीज़ ख़त्म हो रही। इससे ध्यान भटकाने के लिए अब एक नई चीज़ जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुकूल, ये भारत के संविधान को बदलने के लिए ये इस तरह का काम कर रहे हैं जो कभी ऐसा हुआ नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सब हैं भाई भाई। वो जिस तरह से हमारे भारतीय संविधान में ये नारा लगाया गया था, आज वो उसी तरह से सारे लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं कि हमारा संविधान मुझसे जा रहा है, हमारा हक मुझसे जा रहा है, हमको आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे कि इसके पहले अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ाई लोगों ने लड़ी, उसमें हर समाज के लोगों ने अपनी बलिदान दिया, जान दिया, आज फिर ये हो गई कि हमको गुलाम बनाने के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही है। भारत माता की जय। तमाम जो लोग आए हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, मीडिया का भी करेंगे कि कम से कम हमारे इस जो नाजायज़ तरीके से ये कानून लगाया जा रहा है उस आवाज़ को आप पहुंचा रहे हैं और सारे लोग इस पे हैं, इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। आज पूरे हिंदुस्तान में मोदी के खिलाफ आवाज़ उठ रही है और इंशाल्लाह इसके आगे भी उठते रहेंगे जब तक ये एनआरसी सीए ये बिल रिटर्न नहीं होएगा, तब तक ये आवाज़ चलती रहेंगी। मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपने जिन लोगों का वोट लेकर, जिस लोकतंत्र प्रक्रिया से, जिस संविधान की शपथ लेके आप पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री बने हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री बने हैं, उन्हीं लोगों की नागरिकता आज हटाने का आपको क्या हक है? सो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सीए और एनआरसी ये दोनों ही जो बिल्स हैं उनको पूरी तरीके से खारिज करना चाहिए, इसका हम निषेध करते हैं। और हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू के दिल में रहता है और हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान के दिल में रहता है, ये दो दिलों को कोई तोड़ नहीं सकता है। इसलिए हमारी विनती है कि हम इसको निषेध करते हैं और पूरी तरीके से ये सरकारी जितने भी बिल लेकर आए हैं, सीए एनआरसी जितने भी बिल लेकर आए, सबका सब हम निषेध करते हैं और हम चाहेंगे ये सारे के सारे बिल हटा दिया जाए। बीजेपी गवर्नमेंट को मैं बोलती हूँ, ये तुम्हारा शानातानी नहीं चलेगी, हमारा हक दो, हम लोग ये मट्टी के हैं, हम इधर ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारा ये जबरदस्ती कभी भी नहीं चलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट साई पवार के साथ अमृता यादव, इनका रिपोर्ट।